हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वैसे व्लॉगिंग करने का कोई दिल नहीं था, पर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। सिमोन भी घर पे है क्योंकि आज ही स्कूल नहीं गई है। दो दिन से हमारे घर में लाइट की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, रात को सो नहीं पा रहे हम ढंग से, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये आज सुबह उठ ही नहीं पाई जल्दी और मैं भी नहीं उठ पाई, तो छुट्टी हो गई इसकी। तो बाकी मिलवाते हो आपको सिमोन से, गुड मॉर्निंग करो बेटा। फोन चलाने के लिए तो ताकत है, गुड मॉर्निंग बोलने की नहीं है। नींद आ रही है क्या अभी भी? साइरा सो नहीं पाई तू भी, है ना। चल ऐसे कर, फटाफट उठ के नहा ले, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या खाना ब्रेकफास्ट में? सैंडविच बनाऊँ या फिर इडली बनाऊँ, क्या बनाऊँ? वेज इडली बना लूँ, ठीक है, डन। चल फटाफट नहा ले अब। तो सिमोन बोल रही है इडली खानी है, तो मैं वेज इडली की तैयारी करती हूँ, फिर हम नहा के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो ये मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरे पास कुछ खास सब्जी थी नहीं घर में, मैंने मतलब प्याज शिमला मिर्च और बीन्स काटी हैं, गाजर भी नहीं है और कुछ और भी नहीं है, तो हम इससे काम चला लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन हाफ कटोरी ही दही डल जाएगा, आपसे थोड़ा कम डाला मैंने। एंड इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब हम इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी और डलेगा, मतलब इडली की क्वांटिटी जैसे होती है ना बैटर, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होता, रनिंग में नहीं होता, ठीक है। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसे अच्छे से हो नहीं पा रहा, फ़ोन पकड़ा है, चलो कोई बात नहीं। बाकी चीज़ें भी मैं दिखा देती हूँ, मैं क्या डालती हूँ। मैं ऑरिगेनो भी डाल लेती हूँ थोड़ा, वैसे डालते नहीं मोस्टली लोग, पर मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, तो मैंने 2 पैकेट ऑरिगेनो डाल लिए, कोई भी पड़ा हो आपके पास। एंड इसमें थोड़ा सा साल्ट डाला मैंने, नमक डाल लो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्की सी मिर्च डालूंगी मैं, वैसे ग्रीन चिली ज़्यादा बेस्ट रहती है, बट चलो ठीक है। एंड इसको अपने हिसाब से अब इसको ना मिक्स कर लो आप, मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इसका ना तड़का बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा ही लिया मैंने, 1 टेबल स्पून लिया है, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ले लेना आप। हल्का सा इसको गर्म होने देंगे, हो गया ये गर्म। अब इसमें राई डालेंगे, सरसों भी डालते हैं लोग, एंड कड़ी पत्ता। थोड़ा गैस से पीछे हो जाओ, डर लगता है मुझे भी इसको डालते हुए, बस गैस बंद कर दो, ठीक है। एंड इसको इसमें हम मिक्स कर लेंगे, ज़रूरी है। अब इसमें ना 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला इनो, ये तब डालना जब आप बनाने लगोगे ना, बस उसी में हल्का सा पानी डालूंगी ताकि ये फूल जाए अच्छे से, ये देखो, ठीक है। और इसको मिक्स कर लो, थोड़ा टफ होता है फोन हाथ में पकड़ के करना मिक्स, बट चलो ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लो। एक ही साइड घुमाना वैसे इसको। मैं माइक्रो में इडली बना रही हूँ, तो ये इडली जो स्टैंड है इसमें थोड़ा थोड़ा हमें ऑयल लगाना है सारे में, ताकि ये इडली चिपके ना। ओके, अभी मैंने ऑयल लगा दिया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे इडली का बैटर, हमें ना ज़्यादा ऊपर ऊपर तक भरना नहीं है इसको, बस ऐसे डाल देना। नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी थी आज हमने, मैंने सोचा चलो रेसिपी भी दे देते हैं। वैसे आप सबको आती होगी बनानी, ईजी वे है ये, मेरा वे है, बाकी बहुत टाइप से बनती है इडली। तो थोड़ा इसको ठीक है अच्छे से ऐसे कर लो ताकि एक जैसे बराबर हो जाए। अब हम दोनों में इडली लगा के फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने माइक्रो में इडली लगा दी है, अभी सिमोन को देखते हैं क्या कर रही है। सिमोन उठना नहीं है, नहाना नहीं है, ब्रेकफास्ट भी बन गया, बस मैंने इडली बना दी, फटाफट से नहा ले क्योंकि मैंने भी नहाना, मैं नहीं नहाई अभी, मेरे को थोड़ी सफाई करनी थी घर की, फिर नहा के फिर। सो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट रेडी, तो सिमोन को देते हैं ब्रेकफास्ट। सिमोन नहा ली, अच्छे से किया हेड वॉश 2 बार शैम्पू करके, फोन ये सिमोन ने रबड़ क्यों डाल लिया फोन में बता दे सिमोन। इसकी स्क्रीन ना ऐसे निकल गई, अलग ही हो गई थी बिल्कुल, अभी ठीक करवाना है इसका फोन, बिचारी का फोन। फ़ोन नहीं मिलेगा खाने के टाइम, पहले भी बोला है खाने के टाइम फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन देखती रहती है और खाना खाती नहीं है। आज मैंने सूजी की इडली बनाई है, बिल्कुल लाइट है, और इसलिए प्लीज़ सारी खा लेना, छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी देख खा के बता कैसी है, ठीक है ठीक है सब कुछ। आज वेजिटेबल थी नहीं ज़्यादा, कैरेट कुरेट कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं डाला कुछ खास, ठीक है। 3 और क्या चाहिए अब, क्यों बिना टीवी के खाया नहीं जा रहा,
यार इसका इतना बुरा हाल है, या फोन चाहिए हाथ में या टीवी चाहिए। ये लेना ये थप्पड़ दे दू, पकड़ अपने आप चला। टीवी तो खुद चला सकती है यार। आज तूने मेरे साथ ना काम करवाना है, एक तो ये तेरा जो पड़ा है ना गंदे यहाँ उठाएगी, ठीक है। हाँ तो मत खाना, पकड़ खुद चला ले जो चलाना है। शक्ल देखना इसकी इतनी बदतमीज है ना, कुछ नहीं काम करती, कुछ नहीं काम करती। चश्मा इधर ही पड़ा था कहीं तेरा। सब काम मेरे से कराती है, मूवी नहीं देखनी, पढ़ना है बस। जब तक खा रही है तब तक देख ले, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। चलो मैं भी फटाफट नहा के ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं सूट प्रेस कर रही हूँ अपना, प्रेस करके फिर मैं नहाने जाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ एक दो रील भी बना लेती हूँ, अब सूट डालना है तो रील भी बना लेती हूँ, और बनाई भी नहीं एक दो दिन से ना। बाकी मिलते हैं रेडियो के, रील भी बना लूँगी मैं, और टाइम भी थोड़ा स्पेंड हो जाएगा। बोर हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा करें क्या। घर पे सिमोन पढ़ रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी हैं अभी, 12th से हैं तो वो पढ़ रही है। मेरे को ना वैसे प्रेस करते हुए ना बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े जला देती हूँ, मेरे से प्रेस ही नहीं होते ढंग से। कर रही हूँ वैसे, अभी तक तो जला नहीं है, बाकी हो ही गया है बस। अभी चलो रेडियो के आपसे मिलते हैं फिर। हाँ जी सिमोन, क्या हो रहा है? पढ़ रही है, सच्ची में पढ़ रही है। अच्छा फ़ोन भी तो चला रही है साथ में। फोन भी चला रही, समझ नहीं आ रहा है मुझको देखिए। क्या पढ़ रही है आज? साइंस। चल पढ़ ले। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर खा लिया था तो किचन में रखना होता है कि सारे काम मैं ही करूँ? मैं ही करूँगी बेटा, मैं ही करूँगी सारे काम, आप क्यों करोगे? चलो सिमोन पढ़ रही है, फिर मैं रेडी होकर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी मैं नहा चुकी हूँ, मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने आज सूट पहना है, तो अभी मैं और सिमोन सोच रहे हैं कि वो थोड़ा पढ़ रही है, पढ़ने के बाद जैसे ही फ्री होगी वो कह रही है कि मैं आपकी रील्स बना देती हूँ। मोस्टली वही मेरी रील्स बनाती है ज़्यादातर, तो अभी हम रील्स बनाएंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर हम मिलते हैं आपसे। सो मैं रेडी हूँ रील्स बनाने के लिए, तो सिमोन अभी आ रही है मेरी रील्स बनाने के लिए। ओके तो बनाते रील्स। मम्मी पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा? कुछ पीना है? पी ले सिगरेट। यार तो बिल्कुल उल्टा मुखी है, पागल से डरा दिया हूँ आराम से। सो रही हूँ, बता तो दे कि ब्लॉग बना रही है, कुछ है एकदम कैमरा उठा के चीख मार रही है कि मम्मी मम्मा यार कुछ मतलब ट्रेश ही सब पीने का मन कर रहा है, मोइटो बना दो, मैंगो वाला टेप ट्राई करो ना कुछ। प्लीज बाहर जब हम रील्स बना के ना, मेरे सिर में धूप चढ़ गई, गर्मी लगी मुझे, तो मेरे को अभी हम बाहर गए थे रील्स बनाने और इतनी खतरनाक धूप थी ना, दो तीन बना के ही आ गए थे। अब थोड़ा ठीक है मौसम, इतनी गर्मी कोई ठीक नहीं है, अंदर एसी में बैठे इसलिए ठीक लग रहा है, बाहर कोई ठीक ठीक नहीं है। इतने चक्कर कुछ पीना है यार, मुझे चाय बना के खिला दे। इतनी गर्मी में चाय पियोगे? क्या बनाओगे? ये कैसे बैठे हो? कुछ पीना है मेरे को तो दिख रहे हो, पर नहीं तो सोच में यहाँ पे मैं सोच नहीं सकती, मेरे को दिख रहे हो आप, बट आप तो हो, तो खुद ही उठ के बना ले कुछ। यार मैं अगर आप ना होते तो मैं ना बनाती, सोच में नहीं हूँ, बट हो आप। आए मुझे बचा लो कोई इस लड़की से, इस लड़की से मुझे कोई बचा लो, कोई काम नहीं। अरे आते मेरे को, मेरा मन नहीं रहा, कुछ बनाती रहती हूँ तो टेस्टी सा कुछ बना दो ना पीने को, तो मैं फिर दो जार न्यूट्रेला खा लूंगी। टेस्टी चाय होती है, चाय बना के पिला, करा रही सी कड़क सी चाय है बढ़िया, अदरक इलायची वगैरह डाल के ना सब कुछ डाल के, पता क्या सीधा होता है अगर चाय ना पियो ना। ये भी यहाँ पे मरीज सा सुस्ती कुकी, हेलो खाता है उधर जाके अपने पिंजरे के पास खाता है।
आ जाता सो जाता है। नहीं अभी ये सारा सारा दिन निकलता नहीं है वहां से। धूप गर्मी इतनी है इसका मन नहीं करता है खाने का। पानी भी क्या आता है, पानी भी क्या आता है पिंजरे में। ये आजकल मैंने देखा निकलता ही नहीं है शाम। इतना सा बेचारे का पेट है। निकलेगा बाहर और फिर खा पी के फिर निकलेगा। रोटियां इसको जितनी मर्जी खिला लो। रोटी हमने खिलानी नहीं है इसको। नहीं वही तो, ऐसे ट्रीट इसको अगर एक बाइट दोगे ना ऐसे पागल हो जाएगा कि मेरे को रोटी खिला दो बस। पता क्या, जो चीज मना हो ना वही दिल करता है खाने का। इसका भी वही हिसाब है। मेरा भी वही हिसाब है। मेरे को कुछ दे दो खाने को, टेस्टी सा दे दो मम्मा मुझे खा ले। तो अब मैं पढ़ रही थी और मुझे भूख लगी। मैंने मम्मी को बोला कुछ पीना, मेरे को नहीं मिल रहा एक्चुअली। मेरे को ना पहले भूख भी लग रही थी। मम्मा कह रहे थे खाना नहीं खाया, तूने खाना खा ले। मैंने कहा भूख नहीं है। फिर मम्मी ने कहा कुछ ऑर्डर करवाना है बाहर से, तो मेरे को भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी फिर, एंड मैंने मंगवा लिया खाना बर्गर किंग से। तो कोल्ड ड्रिंक मैंने बर्गर मंगा लिया एंड टाको। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी इसको देख के, तो मैं खा के बात कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। ये देखना, इससे ना मतलब रोटी नहीं खाई जाती, बाहर का जितना मर्जी खिला लो। और इसने ना बेड के ऊपर ना कोल्ड ड्रिंक भी गिरा दिया है। हंसने की बात नहीं है, बेडशीट चेंज करी हो तू ही करेगी। और मेरे लिए चाय बनाएगी, फिर मैं आपको चाय दिखाऊंगी कैसी बनाई है इसने, ठीक है? वेट करो आप इतना। तो सिमोन को फाइनली मैंने भेज दिया चाय बनाने के लिए। अभी वो चाय बनाने गई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ चाय बना रही है वो। सिमोन अंधेरे में चाय बना रही है। चाय बना रही है कि फोन चला रही है? हाय रुपा, सब कुछ सही डालना चाय के अंदर। फ्रिज बंद भी करनी होती है, मतलब फ्रिज। सिमोन अच्छी सी टेस्टी सी बनाई हो चाय, ठीक है? हाय रब्बा, काम ही बढ़ाती रहती है। चम्मच से मलाई को साइड कर देना। टेस्टी सी बना के लेके आई हो, ठीक है? फाइनली कुकी भी बाहर आ गया। नीनी नीनी पूरी करके आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरी मटकू को? मटकू 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 गुस्सा। अरे गुस्सा दिखा रहा, गुस्सा दिखा, गुस्सा दिखा। गुच्छुक 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 मारो मुझे, मारो मम्मा को, मम्मा को मारा। सोना बेबी, सोना बेबी, मेरा बेबी, देखो कैसे लड़ रहा है मेरे साथ। नाखून बांध दिए इसने, इसको गुस्सा आ रहा आज। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू, गुस्सा करो, गुच्छा करो, गुच्छा 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 गुच्छा। कुकी, कुकी है ना मेरे साथ बहुत खेलता है, पर इसको आज गुस्सा आ रहा पता नहीं क्यों। सुंदर बिंदी को कुछ आ रहा मेरे बच्चे को। हाथ भी नहीं लगाने दे रहा आज तो, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया कुकी, कुकी क्या हो गया, कुकी क्या हो गया, कुकी क्या हो गया? आइए गुस्सा क्यों कर रहा है मुझे? आइए गुच्छा क्यों कर रही है? मेरी सुंदरी है ये मेरी सुंदरी है ये मेरी सुंदरी चुंदरी चुंदरी चुंदरी। इसको देख लो कितनी खुश हो रही है चाय बना के, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आई हो। पागल है क्या? ये देख लो चाय, सिमोन चाय बना के लाई है और मैं साथ में मट्ठी खा रही हूँ थोड़ी सी, जो फास्ट में खाते हैं ना हम। मुझे अच्छा, अब क्या करना है? थक गई चाय बना के, देखो ऐसे लग रहा है ना, पता नहीं कितना काम करके आई होती है। बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। फोन देख लो हमेशा हाथ में, हमेशा हाथ में फोन रबर डाल के रखी हो, क्योंकि इसकी स्क्रीन गिर जाती है आगे को। अब वो देख लो हमारा कुकी, सियाना है, शुशु करने अंदर जाता है। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। चाय मैंने पी ली है, अच्छी चाय बनाई थी सिमोन ने। अभी मैं बाहर आई हूँ बाहर का वेदर देखने के लिए। देखो धूप है पर अच्छे लग रहे हैं ना बादल। बिस्किट आ गया, बिस्किट 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 बिस्किट।
देखो कैसे आ रहा है ना। हाँ जी ये देखो बिस्किट, भूखी लगी है भूखी मुझे, बहुत क्यूट लगता है ये, बहुत क्यूट बिस्किट बिस्किट। अब मैं बिस्किट के लिए कुछ दूध वगैरह लेके जाती हूँ, नीचे वो देखो बैठा है। बिस्किट क्या हुआ? अब मैं इसको दूध लेके आती हूँ, इसको भूखी लगी हुई है। अभी इसके लिए दूध पैक लेके जा रही हूँ, रात को इनके लिए खाना बनाऊंगी मैं, फिर रात को ये रोटी और सूप वगैरह ले लेते हैं। चलो इसको दे के आते हैं। ओ मेरा बिस्किट, आ जाओ मेरा बच्चा। ये देखो ये बहुत ही भोला और बहुत ही प्यारा डॉगी है, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, ये बेचारे मासूम से डॉगी, इसको फीड कराना, खाना देना इनको। अभी इतनी गंदी फाइट होगी थी ना इन डॉगियों की, इतनी गंदी फाइट क्योंकि इसको मैंने खाना दिया, एक नया डॉगी आ गया। बिस्किट क्या हुआ? हाँ बेचारा डर रहा है ये बहुत ज़्यादा, मैं कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो में, पर इतनी डेंजरस लड़ाई थी ना, इतनी मुश्किल से बचाया है इसको। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? ये इतना डर गया है ना, ये इतना भोला भाला सा डॉगी है, इसको सारे काटने को आते हैं भाई। सो गाइस मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, आज बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता, और इसकी रेसिपी तो चाहिए नहीं होगी, सबको आता ही होगा। तो बैंगन का भरता बनाने लगी हूँ और साथ में आटा गूंथूंगी, रोटी बनाऊँगी। तो अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है क्योंकि बैटरी कम है। खाना बना रहे हैं एंड तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, आपको ब्लॉग कैसा लगा है हमारा। तो गाइस बाय बाय, प्लीज़ ज़रूर बताइए हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग एक्चुअली हमारी, हो सकता है काफ़ी मिस्टेक्स भी हो, कुछ भी जो आपको लगा हो, जैसा भी आपको लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।